गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश का पीरियड है और इंग्लिश के पीरियड में बच्चों आज हम करेंगे ग्रामर, और ग्रामर में आईएनजी लगा के जो वर्ड्स बनते हैं उनको हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया था, कौन सा वाला? कैट वाला। हु विल बेल द कैट, याद है आपको? मैंने लेसन की रीडिंग करवा दी थी आपको, अच्छी तरह से समझा भी दिया था, इसके क्वेश्चन आंसर करवा दिए, एक्सरसाइजेस करवा दी, सब हो गया था। इसी बुक में बेटा, इसी बच्चों के पीछे में देखिएगा आप लोग, पेज नंबर 75, हमारी कुछ एक्सरसाइजेस रह गई हैं, हम लोग आज वो करेंगे, ठीक है? देखिए, पहले एक्सरसाइज से आपकी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पे आपको वर्ड दिए हैं, यहाँ पे कौन से करेक्ट आने हैं आपको लिखना है। देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलने का तरीका, मतलब प्रनाउंस करने का तरीका सेम होता है, बट स्पेलिंग अलग अलग होती है और उसके मीनिंग अलग होते हैं। तो वही वर्ड्स आपको समझाती हूँ मैं। जैसे फर्स्ट है आई कलर्ड विद आ डैश क्रेयॉन, तो क्या आएगा यहाँ पर बच्चों? ब्लू क्रेयॉन। क्रेयॉन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, रंग जो होते हैं आपके, ब्लू क्रेयॉन। द विंड डैश थ्रो द ट्रीज, तो ब्लू, हवा कैसे चलती है? हवा ब्लू करती है, तो ब्लू। नेक्स्ट आई डैश विथ माई आईज, आप आईज से क्या करते हैं? सी, ये वाला सी आएगा, एस डबल ई वाला, तो आप लिखेंगे आई सी विद माई आईज डैश वाटर इज वेरी सॉल्टी, तो ये वाला सी यानी कि समुद्र का पानी। समुद्र का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। नेक्स्ट है डोंट डैश केयरलेस एंड स्टैंड नियर द ट्री एज इट हैज अ डैश हाई, तो यहाँ पर आएगा बच्चों, डोंट बी, यहाँ पे बी ई बी, डोंट बी केयरलेस एंड स्टैंड नियर दैट द ट्री एज इट हैज अ, क्या आएगा यहाँ पे? बी यानी कि मधुमक्खी वाला, मधुमक्खी का छत्ता है, हाइव मन छत्ता। डैट सॉ द बॉय हु गॉट अ ब्लैक डैश व्हेन ही फॉल, यानी कि वंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ लिखेंगे आप आई, I saw the boy who got a black, क्या लिखेंगे? I, E Y E I, वो I का मतलब मैं होता है और ये I का मतलब आँखें। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, डैश स्वानी एट एन एप्पल आफ्टर शी डैश द रेस, तो वंस, यहाँ क्या लिखेंगे? O N C E, वंस, स्वानी एट एन एप्पल आफ्टर शी वन, वन माने जीतना, उसने रेस जीत ली। ओके, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके आगे आपको आईएनजी लगाना है, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। जैसे वॉक है, तो वॉक में आईएनजी लग जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा वॉकिंग। लाफ, लाफिंग। स्किप, स्किपिंग। क्लीन, क्लीनिंग। सी, सीइंग। स्मेल, स्मेलिंग। रीड, रीडिंग। प्ले, प्लेइंग। कुक, कुकिंग। से, सेइंग। लिसन, लिसनिंग। उसके बाद हंट, हंटिंग। शूट, शूटिंग। टॉक, टॉकिंग। फ्लाई, फ्लाइंग। ईट, ईटिंग। रन, रनिंग। जंप, जंपिंग। स्लीप, स्लीपिंग। राइट, राइटिंग। स्टैंड, स्टैंडिंग। केयर, केयरिंग। ओके स्टूडेंट्स, देखा आपने? लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, देखिए यहाँ पे केयर में ई हट जाएगा, ई हट के सिर्फ आएगा सी ए आर आई एन जी। ऐसी और भी वर्ड हैं, मैंने जिस तरह से आपको लिखे दिखाए हैं, आप भी ऐसी कॉपी में अपनी लिख लीजिएगा, और जितना भी काम करवाया है अपना कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सब एग्ज़ाम में आपके आएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।